हेलो जी, हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राम राम। आज है 12 सितंबर 2020 और हम हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन में पांडव फॉल देखने गए थे। पांडव फॉल के पास ही पांडव गुफाएं हैं, वो हमने देखा। और आज की वीडियो में हम आपको ले चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर ले चल रहे हैं, क्योंकि हम पांडे जी के पीछे पीछे वे हमें घुमा रहे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास के स्थानों पर। टाइगर रिजर्व के अंदर सफारी तो हम आजकल नहीं कर सकते, क्योंकि मानसून के टाइम पे वो सब अलाउ नहीं है, लेकिन उसके आसपास के स्थानों पे जा सकते हैं। फिलहाल सामने पांडे जी की गाड़ी जा रही है, जहाँ पे वो गाड़ी जाएगी हम उनके पीछे पीछे रहेंगे। अभी हमने मडला पार किया है और मडला से गाड़ी मुड़ी है इधर लेफ्ट में, सामने चले जाएंगे खजुराहो की तरफ। ये कहाँ पे जंगल कैंप, मडला जंगल कैंप, ये क्या है भाई यहाँ पे? खाना खा लिया जाए? अच्छा, यहाँ पे खाने की व्यवस्था है, चलो खा लेते हैं। अब कहाँ चल रहे हैं सर? अब हम एक पुराने मंदिर देखने जा रहे हैं, जिसकी खोज अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने ही की। पांडे जी जो हैं आबकारी विभाग में एक बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन इनकी दिलचस्पी पर्यटन में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इन्हें मध्य प्रदेश का या फिर पन्ना जिले का पर्यटन एम्बेसडर, टूरिज्म एम्बेसडर भी बना रखा है। तो ये टूरिज्म से रिलेटेड काम भी करते हैं। इन्होंने ही बताया कि हमने ही मंदिर खोजा था, तो उसको अब आगे क्या करना है, उसका रिपोर्ट वगैरह बनानी, आगे भेजनी पुरातत्व विभाग, स्टेट आर्कियोलॉजी, सेंट्रल आर्कियोलॉजी होती होगी भाई, तो सारी रिपोर्ट इधर उधर जाएंगी, तब जाके फिर उस मंदिर का कुछ उद्धार होगा। हो सकता है जरूरत पड़े तो खुदाई भी करनी पड़े। नंदी, नंदी है ना, नंदी है बाकायदा, ये जो स्ट्रक्चर है ये नंदी है। ये जो एक पैर है, साफ कर दें भाई, बस अब तो शिव मंदिर होने का प्रमाण मिल गया। इसके अलावा भी बहुत से, क्योंकि ये इससे प्रमाण है, ये इससे थोड़ी आप कंफर्म हो सकते हो। अच्छा, सकते कहीं और से उठा के रखा गया हो? नहीं, ऐसे नहीं, बहुत बहुत मिट्टी चढ़ी हुई है इस पे, तो अभी सीढ़ियां भी मिलेंगी। और मंदिर अंदर से काफी गहरा है, और अंदर भी तो है, ये देखो ये जनेऊ, अंदर भी तो मिट्टी है बहुत। किसे? ये जो ऐसे घुटने बांध के बैठते हैं। अच्छा, घुटने पे बांध के? हाँ, ये भी कुछ है, ध्यान मुद्रा के लिए ये कुछ है। तो कपड़े डाल के बैठते हैं, नहीं कुछ है, कुछ है घुटने पे बांध के बैठते हैं, कपड़े ही डाला, इसको पट कहते हैं। अच्छा, पट कहते हैं, और ये ध्यान मुद्रा है। हाँ। रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं, बाजू बंद भी रुद्राक्ष के बने हुए हैं, और ये कान में कुंडल भी है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है नवग्रह है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो है भैरव होते हैं, और बाकी जो है ये राहु केतु है। अच्छा। तो राहु का जो है सिर अकेले होता है, केतु सिरविहीन होता है, तो इस तरह से ये नवग्रह है। इधर सप्त मातृकाएँ हैं, इधर जो है स्टार्टिंग में भैरव, और ये गणेश, और बीच में सात मातृकाएँ, और ये जो है ये माला लिए हुए हैं, तो इनको मालाधर कहते हैं, और ये पूरा द्वार शाखा कहलाती है, और ये वाला हिस्सा जो है वो ललाट कहलाता है, और जो भी जिसका भी मंदिर होता है उससे संबंधित मूर्ति बनी होती है। जैसे शिव है तो ये शिवगण है। ठीक है, कई जगह शिव की ही मूर्ति सीधी सीधी होती है, तो उसे स्पष्ट समझ में आता है, लेकिन यहाँ शिव की मूर्ति नहीं है, उनकी गण की है, तो ये शिवगण हो गए। फिर उसके बाद कुछ मैथुन प्रतिमाएं भी हैं। फिर इसके बाद यहाँ जो है ये नदी देवी हैं, गंगा और यमुना जो हाथ में कलश लिए हुए हैं, तो ये नदी देवी की प्रतिमा कहलाती है। नीचे शेह या जिन्हें हिंदी में ब्याल भी कहते हैं, वो है।
और मूर्तियों का जिस तरह के से ये बनाया गया है तो उससे पता चलता है कि खजुराहो के मंदिरों से भी पुराने हैं, क्योंकि खजुराहो के मंदिर में जो अंकन है बहुत स्पष्ट हो गया था। हाँ। तो मूर्तियां बहुत सुंदर बनाई गई, ये उसके पहले का ही है। तो इस तरह से जो है इससे प्रमाणित होता है शिव के गण, यहाँ गणेश है, ठीक है, भैरव है, तो इससे ये शिव मंदिर ही प्रतीत होता है। हालांकि शिवलिंग गायब है यहाँ से, और यहाँ के लोकल वो हैं शिवादित्य सिंह, उन्होंने ये चीज़ देखी स्थानीय लोगों के माध्यम से, और उन्होंने हमारे पन्ना कलेक्टर महोदय को एक ईमेल किया था। अच्छा, तो फिर कलेक्टर महोदय की तरफ से मुझे इन्फॉर्म किया गया और उस मंदिर को देखने के लिए बोला गया, तो मैं उनके साथ आया और यहाँ देखने के बाद पता चला कि ये इस क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, जिसे प्रकाश में लाना, उसका संरक्षण किया जाना। उसके बाद आपने क्या किया? फिर मैं इसके बाद आया तो फिर मैंने जो है कलेक्टर के माध्यम से जो है यहाँ मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग को सूचना दी, और उनके लोग आए और उन्होंने यहाँ पूरी चीज़ें देखी और उसके एक रिपोर्ट बना के अपने डिपार्टमेंट को भेजी। अब इसके आगे की प्रोसेस चालू है और जल्दी हो सकता है कि यहाँ पर संरक्षण या खुदाई का काम चालू हो सकता है। सारी आर्कियोलॉजिकल खोज जो है ना सब इसी तरह होती हैं, और आज जिसे हम खजुराहो के नाम से जानते हैं, जो खजुराहो के मंदिर हैं, वो भी किसी टाइम इसी तरह के रहे होंगे, किसी टाइम इसी तरह मिट्टी के नीचे पत्थरों के झाड़ झंगाड़ के बीच में रहे होंगे। किसी ने उन्हें ढूंढा, किसी ने उनमें दिलचस्पी दिखाई, और आज खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसी तरह का एक खजुराहो जितना बड़ा नहीं है, एक बहुत छोटा सा मंदिर है। काफ़ी मंदिर का काफ़ी हिस्सा ज़मीन के अंदर डूबा, मतलब कि ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है। तो चलो, इन्होंने आर्कियोलॉजिकल विभाग के पास, पुरातत्व विभाग के पास अपनी रिपोर्ट भेज दी है। अब पुरातत्व विभाग क्या करता है वो तो आने वाले टाइम ही बताएगा। ऐसे में देखो भाई, गांव के लोग भी साथ हो लेते हैं, सीधे साधे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें लगता है कि हम बाहर से आए हैं, ये मुकेश जी हैं, मुकेश जी बाहर से आए हैं। पिछली बार मुकेश जी यहाँ पे आए थे तो अपनी यूनिफॉर्म में थे, आबकारी विभाग की पुलिस जैसी यूनिफॉर्म होती है, तो उन्हें लगता है कि यार बहुत बड़े अफसर हैं। तो वो अपनी शिकायतें हमारे सामने बता रहे हैं कि जी हमें ये शिकायत है, हमें ज़मीन की ये समस्या आ रही है ना। तो उन्हें नहीं पता कि भाई हम इनकी शिकायत दूर नहीं कर सकते। मार दो टक्कर, टक्कर नहीं मारने। हाँ ये है के नदी। अबे अरे कितना पानी है इसमें, इस नदी में ना घड़ियाल हैं, और यहाँ पे केन घड़ियाल सेंचुरी भी है आगे कहीं। केन पार करके अब छतरपुर जिले में आ गए हैं, और ये क्या लिखा हो, पन्ना टाइगर रिजर्व वेलकम यू टू कर्णावती बुकिंग सेंटर, कर्णावती इंटरप्रिटेशन सेंटर, कुछ अच्छा ही होगा ये।
ऐसा पांडे जी की महिमा है। आज हमें खजुराहो रुकना था, लेकिन उन्होंने कहा भैया पन्ना में आए हो तो एक बार टाइगर रिजर्व के पास तो रुक के देखो। तो ये एक रिसोर्ट है, रिसोर्ट का नाम है इरलिन रिसोर्ट करके, इसका नाम ERILIN, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, इरलिन है, एरिलाइन है, पता नहीं क्या है। तो अच्छा है, अच्छी लोकेशन है, केन नदी के एकदम किनारे है। तो अभी पांडे जी को विदा करके, पांडे जी पन्ना सिटी चले जाएंगे, उन्हें विदा करके हम आपको लेके चलेंगे केन नदी के किनारे। और अगर लेट हो जाएगा तो फिर हम सुबह लेके चलेंगे, अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। चलिए सर, ठीक है, कल की कल बताएंगे। बिल्कुल।